प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर साफ और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु भदोही जिले के ज्ञानपुर ब्लॉक के गलहिया गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का हैंडपम्प 4 साल से खराब होने के कारण मैना देवी सहित 70 बच्चों महिलाओं को पीने के पानी के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं अनिल कुमार और यह है मेरे समुदाय का आंगनबाड़ी केंद्र। कौन समस्या है आपकी यहाँ? समस्या ये है, लड़कियाँ आवे में हर गड्ढा गुठी में ज्यादा क्यों आवे नहीं देते, पानी की दिक्कत इतना बा है, पानी दूर से ले आओ पर था गाँव से, तीन दिन पानी ले आओ तो लड़के बनवा खियावा पानी पिए के गर्मी दिन आवा था, 4 साल से नल बिगड़ा बा, इतना सबके कहिए कह दिए मैडम जी कर कृति लेके लिख के दी वहाँ ब्लॉक पर उठो लिख के सूचना को नल एक को सुनाया नहीं गया, नल बना था एक आध बार आए प्रधान दिखाइया बताइया। समस्या यह है कि बच्चों के लिए पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, हैंडपंप है खराब है, खाना बनता है तो दूर से पानी लाना पड़ता है, हमारी सहायिका जाती हैं गांव से पानी लेकर आती हैं, बच्चों को भी प्यास लगती है तो जाना पड़ता है पानी के लिए, गर्भवती धात्री आती हैं उनको पानी की प्यास लगती है तो पानी के लिए दिक्कत होती है, और बच्चे खाना खा कर जाते हैं गाँव में पानी पीने, और पानी बार बार भर जाता है तो सहायिका हमारी जाती है गाँव से लेकर आती है पानी। नल बनवाने के लिए कहीं प्रयास किया आपने? हाँ, नल बनवाने के लिए प्रधान को लिख के दिया, CDPO को दिया लिख कर, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि इस आंगनबाड़ी केंद्र का हैंडपंप जल्द से जल्द ठीक कराया जाए जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि इनकी समस्या दूर करने के लिए आप ज्ञान ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 9454465128 पर कॉल कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।